चैनल संगीता लाइव और मैं हूँ संगीता। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मेरा थर्सडे का पूजा रूटीन। थर्सडे के दिन मैं कलश रखती हूँ। ये कलश एज ए विष्णु भगवान, एज ए नारायण जी बोल के हम रखते हैं, और ये कलश मतलब हर थर्सडे को रखते हैं, और हर थर्सडे को फिर उठा के फिर वॉश करके फिर अच्छा से डेकोरेट करके फिर कलश को रखते हैं लक्ष्मी माता के ठीक सामने। तो मैं तो रेंट में रहती हूँ और मेरे पास बहुत ज़्यादा अच्छा अरेंजमेंट कुछ है नहीं। जितना मुझे मिलता है उस हिसाब से हम करते हैं। और क्या, मैं रहती हूँ जमशेदपुर में, तो जमशेदपुर में क्या एनी टाइम हर चीज़ अवेलेबल नहीं होता है। जैसे पान का पत्ता, ताज़ा पान का पत्ता, ताज़ा आम का पल्लव, ऐसे ये सब का ज़रूरत पड़ता है। बट मेरे पास ताज़ा ताज़ा नहीं मिलता है क्योंकि दुकान में हर वक्त नहीं मिलता है। तो मेरे पास ना पीतल का हर चीज़ है, मतलब पीतल का पान का पत्ता, पीतल का आपका आम पल्लव, ये सब मेरे पास पीतल का ही है, और पीतल का नारियल। तो मैं यही देखे ही करती हूँ। और देखिए, और मैं जो पूजा करती हूँ, जो मेरा घर का जो पूजा है उस हिसाब से मैं ये शेयर करूँगी, क्योंकि हर किसी का पूजा करने का और हर घर का अलग अलग रूल्स होता है और सबका अलग नियम भी है। बट मैं जैसे करती हूँ वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कल स्थापन में ना थोड़ा बहुत अलग अलग कुछ कोई कोई करते हैं, मैं जैसे करती हूँ ऐसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हो सकता है मेरे साथ आप लोगों का डिफरेंट हो सकता है, लेकिन मेरा जो है मैं वो आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कलश रेडी करने के लिए हम बनाएंगे इसमें नारायण भगवान जी। पहले 5 टीका लगाएंगे, 5 दिख नहीं रहा है, मैं थोड़ा सा घुमा के दिखाती हूँ। ऐसे बनाना रहता है। और ये है मेरे पास आम पल्लव, ये आर्टिफिशियल आम पल्लव है, ओरिजिनल मिलना मुश्किल है ना, इसीलिए मैं आर्टिफिशियली दे रखती हूँ अपने पास, क्योंकि जमशेदपुर में हर चीज़ नहीं मिलता है। बंगाल में ना हर चीज़ मिल जाता है।
ये देखिए, ये है आम पल्लव, और ये है मेरे पास आम, सॉरी पान का पत्ता। ये भी आर्टिफिशियल है, पित्तल का है। ये सारे मैं लेके आई थी वहां से, तारापीठ से। तो इसमें हम 5 टीका देंगे, 5 टीका या तो 7 टीका ऐसे दे सकते हैं। आम पल्लव में भी 5 पल्लव होना चाहिए या 7 पल्लव होना चाहिए। तो यहाँ हम दे देंगे, 5 टीका दे दिए। और ये है कोकोनट, ये शीश वाला कोकोनट, इसमें भी हम सिंदूर लगा देंगे। ठीक है, अब मेरा ये रेडी है। रेडी करेंगे इस कलश को। तो कलश में हम डाले हैं, इसके अंदर कोई कोई पैसा भी डालते हैं, सिक्का जो होता है सिक्का, और कोई ये जो हरीतकी होता है ना, इसको हम लोग कौसा फॉल भी बोलते हैं, हरीतकी बोलते हैं, ये भी कोई कोई डालते हैं। सबका अपना अपना नियम है। तो मैं तो ये वाला फल डालती हूँ, और इसमें हम डालेंगे फ्रेश पानी, और इसमें थोड़ा सा गंगा जल भी डालेंगे। इसमें गंगा जल ऑलरेडी मिक्स है, अब इसके ऊपर हम रखेंगे ये आम का पल्लव। आम का पल्लव रखने के बाद अब इसके ऊपर हम ये रखेंगे, नारियल रखेंगे। इसके ऊपर ना कोई कोई पान का पत्ता रख के, और इसके ऊपर हम रखते हैं केला। बट मैं केला, ये देखिए वो छोटा वाला, छोटा छोटा जो केला आता है ना, बड़ा केला नहीं, छोटा केला, छोटा केला रखा जाता है। बट आज मैं मार्केट गई, मुझे छोटा केला मिला ही नहीं, तो इसीलिए मैं ना केला अब नहीं रखती हूँ। पहले रखती थी जब मिलता था, लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, तो इसलिए मैंने ये कोकोनट रखते हैं। अगर कोई भी कुछ भी रख सकते हैं आप, लेकिन इसका ये शीश वाला होना चाहिए, मतलब जिसमें डंठा लो ऐसे बोला जाता है। तो मैंने तो ऐसे ही देखा है, इसलिए मैं ऐसे ही करती हूँ। और इसके ऊपर आम पत्ता के ऊपर ही पान दिया जाता है या सुपारी दिया जाता है, बट मेरे पास है नहीं, तो मैं इसके ऊपर आम ये वाला रखती हूँ ना ऐसे करके, तो ये ना गिर जाता है। तो मैं क्या करती हूँ ना, इसका नीचे रखती हूँ, क्या कहते हैं, ये जो पान का पत्ता को नीचे रखती हूँ। मैं कैसे स्थापना करूंगी तो मैं दिखाऊंगी अभी। अब इसमें हम एक तुलसी का पत्ता देंगे, चंदन लगा के हम तुलसी तुलसी जी तुलसी का पत्ता देंगे, और बेल पत्तर, दूर, और हम देंगे इस फ्लावर देंगे, लाल फ्लावर होता है ना, लाजवा का फूल है, गुड़हल का फूल, तो ये सबसे अच्छा लगता है, बट हमेशा हमको मिलता नहीं है, इसलिए मैं नहीं दे पाती हूँ। अब ये मेरा कलश का जो स्थापना है, ये मेरा हो गया। जहां हम रखते हैं बस वहां पे अब स्थापन करना है, तो वो मैं दिखाती हूँ मैं कैसे करती हूँ। सबसे पहले मैं जलाऊंगी मेरा दिया, ये जो फूल आप देख रहे हैं ना, जो पहले से है, ये मेरा हस्बैंड पहले सुबह मॉर्निंग में पूजा करके गए हैं, वो भी पूजा करते हैं। और ये जो माला अभी लगाया है ना, ये माला अभी मैंने बना के लगाई हूँ।
मैंने दिया लगा दिए हैं। आज मैं अभी अगरबत्ती भी लेके आई हूँ, अगरबत्ती मेरा खत्म हो गया था कल। धूप और दिया मैं पहले से जला देती हूँ, क्योंकि पूरा जब मंदिर में खुशबू खुशबू हो जाता है ना तो अच्छा लगता है मेरे को पूजा करने में, तो मैं पहले से ही जला देती हूँ। दिया तो ऐसे भी जलाती हूँ। और अब हमको कलश रखना है। पूजा मैंने लगभग कर ही लिया है, मतलब सब कुछ पहले से मेरे हस्बैंड कर भी दिए थे तो हो गया है। अब मैं कैसे रखती हूँ वो मैं बताती हूँ। सबसे पहले ये देखिए ध्रुव लिए हैं हमने, 3 गो ध्रुव लिए हैं। दूर को सबसे पहले हम यहाँ रखेंगे। ये यहाँ पे मेरा लक्ष्मी माँ है, ये मेरा सिंदूर दान है, तो मैं लक्ष्मी माँ के पास रखती हूँ। लक्ष्मी माँ को ना सिंदूर दान बहुत पसंद है, तो ये ऐसे रखना है। और थोड़ा सा व्हाइट कलर का फूल भी हम देते हैं, तो व्हाइट कलर का फूल देंगे। और उसके बाद ये जो पान का पत्ता है, पान का पत्ता रखेंगे। अब इसमें अक्षत के ऊपर एक कटोरी है, उसके अंदर हम अक्षत रखे हैं। कोई कोई धान भी इसमें रखते हैं, तो जिसका जो मन है वो उस हिसाब से रखते हैं। तो मैं रखी हूँ अक्षत। अब मेरा ये जो कलश है, अब ये कलश को हम उसमें रखेंगे। अब इसमें ना उल्लू देना पड़ता है, तीन बार उल्लू देना पड़ता है। ये केला देना रहता है, तो केला मैं ऐसे ही सीधा सीधा केला मैं रख देती हूँ, काट के नहीं देती हूँ, क्योंकि थर्सडे के दिन ना बोलते हैं केला नहीं खाना चाहिए, तो इसलिए मैं पूरा पूरा केला देती हूँ जो बाद में यूज हो जाए। और ये वाला केला ना चलता नहीं है, क्योंकि ये वाला केला से पूजा नहीं होता। एक छोटा छोटा जो केला आता है ना येलो कलर का, उससे होता है, लेकिन आज मेरे को मिला ही नहीं, तो मैंने यही केला लाई हूँ। तो मैं केला ऐसे रख देती हूँ।
लक्ष्मी पूजा में ना घंटी नहीं बजता है, तो घंटी हम बजाएंगे नहीं, बस शंख बजता है, क्योंकि लक्ष्मी माँ को ना शोर शराबत पसंद नहीं है, इसलिए हम घंटी नहीं बजाएंगे। हम थोड़ा सा आरती कर लेते हैं। ये है मेरा जल शंख, तो इसके अंदर ना जल भर के रखते हैं पूजा स्थल में, और इसका जो इधर वाला जो किनारा है ना, इसमें छेद नहीं है, तो इसलिए पानी नहीं निकलता है। तो जिन लोग रखते हैं वो तो जानते ही हैं जल शंख कैसा होता है, ऐसे छोटा छोटा मिलता है, साइज इस तरह से है। और इसमें भी हमने टीका लगा दिए सिंदूर का, और इसके अंदर जल भर के मेरा जो स्थान है रखने का वहां मैं रख दूंगी। और इसका ना लक्ष्मी चालीसा रहता है, तो लक्ष्मी चालीसा ना मैं दोपहर में पूजा कर रही हूँ, और लक्ष्मी चालीसा जो है वो मैं शाम के टाइम पढ़ती हूँ, जब प्रदोष होता है ना, जब सूरज ढलता है, जिसको गोधूलि लगन बोलते हैं, उस टाइम मैं चालीसा पढ़ूंगी, लक्ष्मी माता की चालीसा। तो वो है मतलब उस टाइम होगा, तो अभी मैं फिलहाल इतना ही करती हूँ मॉर्निंग में। तो यहीं पे मेरा ये पूजा खत्म होता है। और बाहर ना मतलब मंदिर वाला जो पूजा यहाँ खत्म होता है, अब मेरा बाहर है केले का पेड़ मैं रखी हूँ, तो केले का पेड़ में आज के बृहस्पतिवार है बोल के मैं थोड़ा सा जल पानी देती हूँ। व्रत अभी मैं नहीं रख रही हूँ, मेरा कुछ व्रत अभी चल रहा है, तो ये व्रत खत्म हो जाएगा तो मैं फिर बाद में व्रत रखूंगी। तो केले का पेड़ में भी कैसे मैं पूजा करती हूँ आपको फटाफट थोड़ा दिखा देती हूँ रेगुलर बेसिस में।